हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि अमेज़न पे से आप अपना रिचार्ज कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आपने अमेज़न से फ्रेंड्स किसी गलत नंबर पे या आप अपना रिचार्ज कैंसिल करना चाहते हो, कोई आपका रिचार्ज गलत हो गया है, आप 299 का करना चाहते तो फ्रेंड्स आपका उससे सस्ते वाला हो गया, या आपने कोई गलत नंबर पे कर दिया, तो आप अपना रिफ़ंड भी कैसा ले सकते हैं रिचार्ज कैंसिल करके, यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखना है। अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं हमें कैसे करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अमेज़न के होम पेज पर आना है। यहाँ देखिए 3 लाइन दिख रही नीचे, आपको राइट हैंड साइड में इस पर क्लिक करना है आपको। अब आपको कस्टमर सर्विस पे क्लिक करना है। तो गाइस जो स्टेप बताऊँ 2 स्टेप है वो आपको फॉलो करना हो जाएगा। तो कस्टमर सर्विस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ थोड़ा स्क्रोल अप करना है। स्क्रोल अप करोगे तो चैट विद अस का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो चैट विद अस पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको फ्रेंड्स स्टार्ट ए न्यू चैट पे क्लिक करना है। और उसके बाद यह खुद ब खुद आपका जो रिचार्ज हुआ है, अगर आपने अभी कराया रिचार्ज गलत नंबर तो आपको फ्रेंड्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं कराया, थोड़ी देर पहले कराया, एक दो रिचार्ज कुछ और किया आपने ऑर्डर, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैनुअली सेलेक्ट कर लेना। तो यस डेट इज करेक्ट, मैंने अभी कराया था फ्रेंड्स। तो अभी मुझे इधर लिखना है रॉन्ग अकाउंट वॉस रिचार्ज, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। देखिए ये ऑप्शन दे रहा है, आपको क्या करना है, रॉन्ग अकाउंट वॉस रिचार्ज इट, ये सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ आपको एक नंबर मिलेगा फ्रेंड्स, ORN नंबर बोलते हैं, इसको आपको कॉपी करना है। ये ORN नंबर पहले आपको कॉपी कर लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये अमेज़न पे वाले फ्रेंड्स आपका पैसा जहाँ से भी आप रिचार्ज करते हो, एयरटेल, जियो या वी में, तो वहाँ सेंड कर देते हैं, वहाँ से हमें रिफ़ंड लेना है। ये ORN नंबर वहाँ लगेगा, तो ये ORN नंबर आपको कॉपी कर लेना है, ऑपरेटर रेफरेंस नंबर बोलते हैं उसको। तो ये कॉपी कर लेना आपके रिचार्ज का फ्रेंड्स, ये नंबर है, इससे ही आपको रिफ़ंड मिलता है। सॉरी टू ऐड एट द ऑपरेटर डू इज़ नॉट अलाउ अमेज़न, तो फ्रेंड्स ऑपरेटर डायरेक्ट उसको अलाउ नहीं करता, इसके लिए हमें ऑपरेटर से, मतलब हमारे रिचार्ज की जो कंपनी है जो हम सिम कार्ड यूज़ करते हैं, वहाँ रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको अपना जीमेल में चले जाना है और यहाँ कंपोज पे क्लिक करना है। अब जैसा मैं बताऊँगा उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है अपनी कंप्लेंट। तो इधर ऐसा लिख लेना है आपको, डियर सर मैडम, और उसके बाद आपको अपना नेम लिखने का है। तो फॉर्मेट आप देख लीजिए, सेम टू सेम फॉर्मेट में लिखना है आपको, और स्किप करोगे तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा हमें क्या क्या करना है। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखना है आपको अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ फ्रेंड्स अगर आपको देखिए रॉन्ग रिचार्ज आपने किया है तो रॉन्ग नंबर रिचार्ज भी लिख देना जो आपने गलत नंबर पे कर दिया है। अगर आपने सिर्फ रिफ़ंड लेना चाहते हो, आपने गलत रिचार्ज कर दिया, गलत प्लान, तो आपको कुछ नहीं लिखना है। तो ORN नंबर लिख लीजिए इधर, ORN जो हमने उधर से कॉपी किया था पेस्ट करने का, ORN लिख के वो पेस्ट कर लेना इधर। अब फ्रेंड्स यहाँ हमें कंप्लेंट लिखना है कैंसिलेशन की, तो कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए ध्यान से, और सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिख के भेज देने का है। रिचार्ज पहले डेट लिख लीजिए फ्रेंड्स, रिचार्ज डेट भी यहाँ कंपलसरी है, आपने कौन सी तारीख को रिचार्ज किया था अमेज़न में जाके आपको देख लेना है। अगर आपने तुरंत किया है तो आपको तो डेट मालूम होगी, वो डेट आपको एंटर कर लेना। तो इसी फॉर्मेट में आपको एंटर करना है और यहाँ अब आपको रिचार्ज डेट लिखनी है, देख लीजिए नेम, मोबाइल नंबर, ORN नंबर, ऑपरेटर रेफरेंस नंबर, और उसके बाद आपको रिचार्ज डेट, ये इतना लिखना है आपको। अब अगर फ्रेंड्स यहाँ मैं डाल देता हूँ रॉन्ग रिचार्ज नंबर, तो आपको भी फ्रेंड्स अगर रिफ़ंड लेना है, अगर रॉन्ग नंबर पे रिचार्ज हो गया तो रॉन्ग नंबर रिचार्ज लिखना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ प्लान कैंसिल कराना है तो आपको कुछ नहीं लिखना, रॉन्ग नंबर रिचार्ज मत लिखना, आपका कैंसिल करा लेने का है, तो डायरेक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका नंबर लिखने का है। यहाँ मैं रॉन्ग रिचार्ज जिसका हो गया उसके लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ रिक्वेस्ट लिखना है, रिचार्ज फ्रॉम पहले लिख लीजिए, उसके बाद रिक्वेस्ट लिखेगी, रिचार्ज कहाँ से आपने कराया था वो आपको लिखना है। तो हमने अमेज़न पे का कैंसिल करने का है तो अमेज़न पे से कराया था, तो ये सब लिख लीजिए। देखिए इतना फॉर्मेट है, आपको याद रखना है, उसके बाद ही आपको आगे कंप्लेंट लिखना है। तो यहाँ रिक्वेस्ट करना है आपको, प्लीज़ कैंसिल माय रिचार्ज, कैसे लिख लेना है, प्लीज़ कैंसिल माय रिचार्ज। तो आपको लिखना है आई वॉज रिचार्ज टू रॉन्ग नंबर। तो अगर सिर्फ आपने
प्लान किया है तो आपको लिखना है आई वॉज रिचार्ज रॉन्ग प्लान, और उसके बाद आपको फ्रेंड्स प्लीज़ कैंसल एंड रिफंड माई मनी एज सुन एज पॉसिबल लिख लेना है। तो जिसका रॉन्ग नंबर पे रिचार्ज हो गया रॉन्ग नंबर लिखिए, जिसका रॉन्ग प्लान हो गया तो रॉन्ग प्लान लिखिए। तो ऐसा आपको करना है फ्रेंड्स, एज सुन एज पॉसिबल लिख लेना और थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख लेना है। इतना लिखने आते फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपका कौन सा है एयरटेल का है तो एयरटेल की ईमेल आईडी आएगी आपको उनके कस्टमर केयर पे मिल जाती है। सब्जेक्ट पहले लिख लीजिए रॉन्ग रिचार्ज कैंसिल रिक्वेस्ट, रॉन्ग रिचार्ज कैंसिल भी लिखो चलेगा। और टू के अंदर फ्रेंड्स ईमेल आईडी आती है, अगर आपने एयरटेल से कराया तो एयरटेल की ईमेल आईडी आएगी, अगर वोडाफोन कराया तो वोडाफोन की, जियो की कराया तो जियो की। तो सबकी ईमेल आईडी होती है, आपको सिर्फ कस्टमर केयर से बात करके ले लेना है या उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, कहीं और दूसरी जगह से कॉपी नहीं करना है, रॉन्ग जगह आपका चले जाएगा। तो इसके लिए कभी भी आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उनकी वहाँ से या कस्टमर केयर से बात करके ले सकते हो। तो यहाँ मेरा वीका है तो मैं अपना वीका डाल लूँगा, और आपको किधर से भी कॉपी नहीं करना है, आपको उनसे मांगना है, कस्टमर केयर वाले आपको बता देंगे, और बाकी कहीं से भी नहीं लेना है, नहीं तो फ्रेंड्स आपको गलत विलत ईमेल आईडी मिल जाएगी, कहीं भी चले जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सेंड कर देना है, बस इतना करना है फ्रेंड्स, और 24 हर्स वेट करना है। यहाँ 24 से लेके 48 हर्स लगता है आपका रिचार्ज कैंसिल होने में टाइम लगता है, बहुत जन फ्रेंड्स कंप्लेंट करते हैं इस वजह से यहाँ टाइम लगेगा, तो आपको वेट कर लेना है। दोस्तों ऐसा आपको भेजने का, देखिए ईमेल भी आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन ईमेल है, आपका ईमेल सेंड हो चुका है। तो इतना करने के बाद आपका ईमेल सेंड हो जाएगा और वो कंप्लेंट आपका सॉल्व हो जाएगा, वो फ़ोन विन करेगा तो आपको बोलना है हाँ हमारा गलत हो गया था या रॉन्ग प्लान हो गया था, बता देना है, फिर आपका रिफंड आपके अमेजन पे बैलेंस में आ जाएगा या आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसी वीडियो आते रहती है।